यहां पर क्या होता, ए टू बी में, हाँ ये वर्टिकल में मामला कैंसिल हो जाता क्योंकि हमें जाना सीधे है ए टू बी, तो बी साइन अल्फा इक्वल टू ए। अच्छा जाएगा कितने से, जाएगा कितने से, समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है एल, स्पीड कितनी है वी का कॉस अल्फा प्लस यू का कॉस थीटा प्लस यू का कॉस थीटा, ये जाने में समय आ गया। अब दिक्कत क्या है, अल्फा आपको नहीं पता है, तो अल्फा यहां से निकालेंगे, साइन अल्फा इतना है तो कॉस अल्फा, यार एग्जैक्टली यही कुछ कुछ और तो नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन बहुत लंबी आएगी, अजीब सा टर्म आ रहे होंगे, या तो आंसर कैसा दे रहा है, अजीब सा टर्म आ रहा है कि सिंपल सिंपल आंसर है सर अजीब सा आ रहा है। ना, तो साइन अल्फा इतना है तो ठीक है ऐसे करके। यार इसको तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बताओ फिर इसको, बड़ा अजीब आ रहा है। तो साइन अल्फा यहां से बन रहा है, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई है यू साइन थीटा अपॉन पी, तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा भी देता हूँ तो ये वाली चीज आएगी आपकी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई टर्म भी आ रहा है क्या, रूट रूट के अंदर भी आ रहा है क्या कुछ टर्म, यस सर, यस सर। है ना, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेस, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेस, है ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है वी प्लस यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा, देखो गायब हो गया, चलो इधर पढ़ लेते हैं, ठीक है ये हो जाएगा आपका, ठीक है अब इसको वी से वी कटेगा, थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस थीटा, बताओ ये तो जाने का समय आ गया, ये तो जाने का समय आ गया आपका, आते टाइम क्या होगा, अब रिटर्न के टाइम भी तो देखना है, अब रिटर्न के टाइम भी हवा ऐसे चल रही है तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा भाई कैसा होना चाहिए कि मामला कैंसिल हो जाए, ठीक है अब रिटर्न में कैसे होगा। अच्छा इधर वाला लिख दिया था क्या, एरो एरो बना लिए थे, ठीक यस है इधर वाले, इधर किसी को दिक्कत तो नहीं है इस वाले में, इधर तो लिख लिया होगा शायद या नहीं लिखा था, मिली किसका सर, मैंने लिख लिया। बचा तो नहीं है, फास्ट यस ये वाला हो गया था, ठीक है ठीक है, चलो फिर उधर उधर देखो, अब बताओ इसमें ये समझ में आया कि नहीं आया, उसने बोल रखा है ए बी पर जाना है, यू वेलोसिटी चल रही है एंगल थीटा पर, तो एरोप्लेन को मैं यहां पर चलाऊंगा, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर, हवा में मैं ऐसे चलाना चाहूंगा, तो इसलिए मेरा नेट नेट मेरे को इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए मतलब इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, तो ए टू बी गए हमने किया, एक कंडीशन ये निकल के आई, ये कंडीशन निकल के आई, और दूसरा समय ऐसे करके आता, समय आने का क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किस स्पीड से जा रहा है, यू का कॉस थीटा प्लस वी का कॉस अल्फा, इस स्पीड से जा रहा है, अब यहां से साइन थीटा निकाला आपने, साइन थीटा को ऐसे ऐसे लिख दिया, सॉरी साइन अल्फा को ऐसे करके लिखा क्योंकि अल्फा तो अननोन है थीटा दिया हुआ है, तो फिर वहां से हमने कॉस थीटा बनाया, कॉस अल्फा निकाल दिया, ये वाला एंगल अल्फा रहेगा, कॉस अल्फा निकाल लिया, उसको यहां पुट कर लिया, जाने का समय तो आ गया, अब रिटर्निंग का समय, अब भाई उसको वापस भी आना है तो वापस आने का समय क्या होगा, वापस आते टाइम हवा वैसे ही चल रही है, हवा डायरेक्शन ही बदलेगी, अब वापस जब आना है उसको तो वापस ये हो गया, ये बी है, ये बी है, इधर कहीं आपका ए रहेगा, वो बी है, इधर कहीं आपका ए रहेगा,
ठीक है, हवा कैसे चल रही है, हवा चल रही है ऐसे करके U, हवा ऐसे ही चल रही है थीटा एंगल पर, तो यार मेरे को एरोप्लेन चलाना पड़ेगा कुछ ऐसे करके, कुछ तो ऐसे करके चलाना पड़ेगा, कोई दूसरा एंगल मान लो बीटा, इस एंगल को मान लो बीटा, देखो क्या हो जाएगा, वर्टिकल में तोड़ोगे तो ऊपर को यू का साइन थीटा, इधर को कितना आ जाएगा वी का साइन बीटा, इधर को कितना आ जाएगा, इधर को आएगा वी का कॉस बीटा, इधर को आएगा यू का कॉस थीटा, सही है। अगर उसको सीधे सीधे चलना है, यही चीज मैं यहां भी कर सकता था, यही चीज यहां भी बना सकता था मैं, वो मैंने ऐसे ही समझा दिया। अगर उसको बिल्कुल बी टू ए आना है तो भाई ये वाले कैंसिल, ये तो कैंसिल होना चाहिए, तो पहली कंडीशन क्या आएगी आपकी, अगर उसको सीधे सीधे आना है बी टू ए आना है तो उसके लिए, क्योंकि देखो क्या है, जहां को नेट वेलोसिटी आ गई, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट बी ए के अलोंग को नहीं आया, अगर बी ए के अलोंग उनका रिजल्टेंट नहीं आता है तो जहां को रिजल्टेंट आएगा वहां को भाग जाएगा वो, क्यों, क्योंकि नेट वेलोसिटी वहां को आई है और एक्सेलरेशन आप दे नहीं सकते, एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं कर रखी उसने, तो शुरू से ही वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर फिक्स करके चलना पड़ेगा। वेलोसिटी तो चेंज कब होगी, जब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना, आपसे बस ये बोल रखा है इतना इतना हो रहा है चीजें, तो आपको शुरू में ही नेट वेलोसिटी बी ए के लॉन्ग लानी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, पहली कंडीशन क्या आई कि भाई यू का साइन थीटा, या फिर ऐसे बोल दो वी का साइन बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा, बताओ पहली कंडीशन समझ में आई, या इससे कंफर्म हो गया बीटा और अल्फा बराबर आ रहे होंगे, है ना, तो मैं कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, उधर की कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है अल्फा और बीटा सेम ही निकल के आ रहे हैं। अच्छा स्पीड कितनी हो जाएगी, दूसरा चीज अब नैतिक समय कितना आएगा, समय का एक्सप्रेशन क्या होगा नैतिक, हाँ सर, समय कैसे निकालोगे, v2 l अपॉन स्पीड, हाँ स्पीड कितनी है अन्वेषा, v cos थीटा माइनस u cos थीटा बीटा, v cos बीटा माइनस u का, ठीक है ना, ऐसे में नेट स्पीड कितनी आएगी, इतनी आएगी ना, दिस माइनस दिस, थोड़ा ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना है, cos बीटा को पुट करो, sin बीटा पता है, cos बीटा निकाल लोगे, सेम वैसे ही निकल के आएगा, तो l अपॉन कितना बन जाएगा, l अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस यू कॉस थीटा, बताओ ये टी टू आ गया। अब क्या करना, दोनों समय को ऐड कर लो, यार इतना समझ में आता है कि दोनों बार समय अलग अलग आएंगे, शुरू में विंड सपोर्ट कर रही है, कुछ भी कह लो विंड एड अप करवा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो नीचे वाला फैक्टर बढ़ के आया है, यानी ऊपर वाली ओवरऑल चीज कम होके आएगी, तो समय कम लेगी, प्रॉपर एरिया नहीं चल रही हवा, लेकिन हवा ऐसे एंगल पर चल रही कि सपोर्ट ही करेगी उसको, इस केस में क्या अपोज ही होना है, अपोज हो रहा है, तो ये नीचे वाला टर्म छोटा होके आया, मतलब ओवरऑल टाइम बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो फिर वो लगा लेना एलसीएम ले लेना, ऐड करो दोनों को, टी वन प्लस टी टू करो, एलसीएम वगैरह लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगेगा नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर मैं बता देता हूँ, टोटल आंसर आना चाहिए आपका एल अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आना चाहिए, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका टू, टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, होता हो यही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, आंसर यही है, 2l अपॉन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ऊपर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
नीली आंसर यही आ रहा है क्या? कुछ और आ रहा है? सर थोड़ा अलग आ रहा है, नीचे वी एक और आ रहा है। नीचे वी एक और आ रहा है। वी क्यों आएगा भाई? नहीं सर सही है, वो कॉस और साइन है। हाँ ठीक है, ये वाला ये है हाँ, फाइनल आंसर। अरे प्रॉब्लम समझ में आई, अच्छी प्रॉब्लम है। मैं एडवांस में भी 3 नंबर वाले इंटीजर टाइप में बना देगा वो, और मेंस के लिए तो अच्छी प्रॉब्लम है ही। तो 25 में से लगभग लगभग 18-20 प्रॉब्लम आराम से बनती है, और 4-5 प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत वो गलती हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी कह सकते हो। यस समझ में आ गया? यस पार्थ समझ में आया कि गया ऊपर से? विनीत समझ में आया? हाँ सर। ठीक है चलो अगले में आते हैं फिर। ठीक है अगला देखते हैं, इसको नोट कर लो ढंग से समझ लो। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा था। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ वो भी बता देता हूँ। इसका था वो विनीत का था नैतिक मेरा था। हो गया ये? चलो देख बेटा, तो हो गया सबका? इसका बचा है क्या? चलो ठीक है, मैं अस्यूम करके चल रहा हूँ आप लोगों का हो गया। हाँ भाई अगली प्रॉब्लम देखो, अगली 19 के बाद 20 वाली। 19 के बाद 20 वाली क्या प्रॉब्लम है? So find the time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with side A if the wind is blowing at a velocity u along one side of the square. अच्छा बता दो, ये हो गया ना पार्ट? हो गया ये? यस सर। ठीक है चलो देखो भाई अगले वाली प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ट्राई करोगे खुद से? खुद से ट्राई करोगे अगली वाली प्रॉब्लम? स्क्वायर के राउंड घूमना है उसको, उसको चलना है यहां कहीं ऐसे करके, इसको ऐसे करके बना लो कुछ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हवा विंड तो एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होगी, विंड को कहां को भगा रहे हो? अगर विंड को भगा रहे तो ऐसे करते, विंड है यू, विंड यू से चल रही है। ठीक है अब क्या है जरा ध्यान दो, हर एक लाइन में अलग अलग हिसाब होगा। जब ए बी लाइन में जा रहे हो, यू अगर ऐसे है तो V आपको ऐसे चलाना पड़ेगा, बताओ V ऐसे चलाना पड़ेगा, V आपको कुछ इस तरीके से चलाना पड़ेगा such that आपका जो नेट आए, नेट आपका ऊपर को आ जाए। ठीक है तो इसमें 4 टाइम निकालने पड़ेंगे आपको, ए बी को अलग, बी सी को अलग, सी डी को अलग, डी ए को अलग, सब एडअप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वाला केस सॉल्व करो, सबसे पहले तो इसमें क्या कंडीशन आएगी, सबसे पहले कौन सा वाला है? ए टू बी वाला। ठीक है
बी टू सी में क्या होगा, बी टू सी में यू ऐसे ही आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम वी को भी ऐसे ही चला देंगे तो वी प्लस यू हो जाएगा नेट। यहां पर यू ऐसे है तो हम वी को चलाना पड़ेगा कुछ ऐसे करके, कोई एंगल बना लो अल्फा। इस केस में यू ऐसे है, वी को ऐसे चलाना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, वी ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा। कर लोगे खुद से अभी भी, यहां से कर लोगे खुद से, लगाओ यार दिमाग लगाओ, ठीक है फटाफट करो चलो, आपको दिए हैं 3 मिनट। साइड साइड दे रखिए, साइड ए है, मतलब ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअल में वो ऐसे स्क्वायर का पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है, हवा में वो ऐसा तैरना चाहेगा लेकिन जाएगा ऐसे करके, सीधा जाना है एक्चुअल। हाँ भाई हुआ किसी का, मिली हुआ? नहीं करो करो, नैतिक हो गया क्या? नहीं सर कर रहा हूं।
चलो देखो यार अन्वेषा हुआ क्या? यस सर हो गया। ठीक है देखो ए टू बी वाले में क्या होगा, ए टू बी वाले के लिए कंडीशन क्या है कि वी का साइन थीटा, जरा ध्यान से देखो, वी का साइन थीटा यू हो जाए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में कुछ ना बचे क्योंकि जाना ऊपर को है। ठीक है, और समय कितना ले लेगा, समय मान लेते हैं टी वन, कितना डिस्टेंस कवर करना है ए, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है वी का कॉस थीटा, बताओ इतना समझ में आया क्या, थीटा अननोन है अभी। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा वाली कहानी लगा लो, साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस सी आ रहा है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बनेगा, तो उसकी कहानी यहां पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये ए अपॉन वी कॉस थीटा, ए अपॉन वी का कॉस थीटा यानी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, बताओ ये आ गया सबसे पहला सवाल। ठीक है, हमने कहां को चलाई है, हमने हमारे उसमें विंड चल लिया घर को। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं फिर, कहां से कहां, बी टू सी तो बड़ा आसान है, दूसरा है बी टू सी, जब आप बी टू सी आओगे तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ कैंसिल ही नहीं करना है, ए अपॉन वी प्लस यू, बताओ एक्चुअल में कितनी स्पीड से चलेगा, वी प्लस यू से चल जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ एक्चुअल में वो वी प्लस यू से आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरा क्या होगा, चलो ऊपर हो गया, तीसरा क्या होगा, देखो तीसरे में क्या है, कंडीशन क्या आएगी, वी का साइन अल्फा इज इक्वल टू यू, बताओ हॉरिजॉन्टल के कैंसिल होने चाहिए, आएगा कितने से, आएगा कितने से, टी थ्री आ जाएगा आपका ए अपॉन बी का कॉस अल्फा, साइन अल्फा यू अपॉन बी है तो कॉस अल्फा निकाल लोगे तो ए अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चेक करके देख लेना यही आएगा। ठीक है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो फिर नेगेटिव नहीं होगा, ये वी कॉस अल्फा, अरे हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपन स्पीड लेके जा, हम स्पीड लेके चल रहे हैं ना, वेलोसिटी तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, बात समझ, वेलोसिटी की बात तब करके हम जब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वहां वो प्रॉपर इक्वेशन ही चला रहे हैं, जब तक एक्सेलरेशन की बात ही नहीं है तो हमें खाली बस समय निकालना है, तो हम जब तक एक लाइन में भागते जा रहे हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के चल सकते हैं, यहाँ से एक ही लाइन में है इतने की स्पीड है। ठीक है ना, ये आ गया आपका, फिर तीसरा ये क्या था, C to D था, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आपका D to A, D to A में सिंपल है, T4 कितना आ गया, T4 आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी V माइनस U, सबको एडअप कर लो टोटल समय निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2A अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्लस A अपॉन v प्लस यू प्लस ए अपॉन वी माइनस यू, इसको भी एलसीएम एलसीएम ले लेना, ए को बाहर कर लेते हैं, कितना बनेगा ए टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यहां पर बनेगा आपका टू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू भी बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, अब डिपेंड करता है किस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में दिया इन्होंने आंसर, सर एलसीएम लेके, एलसीएम लेके दे रखा है, तो एक काम कर लो टू ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यह आएगा आपका रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी, यही आ रहा होगा फिर। Yes, sir. ठीक है ना, इसको ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, खुल जाएगा, ऊपर बच जाएगा इतना, तो बेसिकली ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे इसी रूट से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी कर लो नीचे भी कर लो,
होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, एलसीएम सही आ जाएगा फिर आपका। अरे आई बात समझ में, दोनों अच्छी प्रॉब्लम थी ये। देखो तो रिलेटिव मोशन अपने आप में अच्छा चैप्टर है, दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा। ये फील समझ में आ रही कि ये एडिशन, देखो वो तो समझ में आता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। अब यार ये फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको फील हो रहा है क्या? आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से, आप स्विमिंग पूल की जगह मान लो स्विमिंग पूल नदी है, तो यार इस बार आप नदी की भी हिसाब से चलोगे ना, दोनों का रिजल्टेंट जहां को बोलेगा आप वहां को जाओगे, ठीक है? तो यानी जब भी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दिया है, मतलब आपने उस चीज को रोक दिया है, डब्ल्यू को रोक दिया है, रुकी हुई विंड में इतनी है, तो एक्चुअल में कितनी होगी? ये तो है ही होगी, प्लस विंड की भी होगी। तो जहां को इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वहां को जाएगा, जहां को इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वहां को जाएगा, जहां को इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वहां को जाएगा। सेम चीज यहां भी है। नीली क्लियर हुआ गया ऊपर से? यस सर। चलो बताओ फिर इसका अगला क्या है, अगला क्वेश्चन। रेन प्रॉब्लम तो ही है, अब रेन प्रॉब्लम आती है तुम्हें? है तुम्हारे लिए तो, मुंबई वालों के लिए तो सबसे बढ़िया चीज है, छाता कौन से एंगल पर पकड़ना चाहिए कि दिक्कत ना आए। हाँ भाई विनीत, कभी ऑब्जर्व किया है बाइक वाइक में, बाइक में या फिर कार में ऑब्जर्व किया है कि जब आपकी गाड़ी जा रही होती है तो रेन सामने से आते हुए दिखाई देती है एंगल पर, और जबकि जमीन पर रहोगे तो ऐसा लगेगा वर्टिकल गिर रही है। कोई ऑब्जर्वेशंस करी हैं? आवाज कम हो गई होगी ना मेरी? हाँ सर, नहीं सर आवाज आ रही थी। रुको रुको, आ जाएगी आ जाएगी। अभी सही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अबे रिलेटिव मोशन में कोई फॉर्मूला ही नहीं, बस ऐसे ही फॉर्मूले चलेंगे, ये समझ में आ गया कदम बाद। चलो मिलिए, दोबारा बताना है, बता दो इसके बारे में। मिलिए सर मुझे समझा। ठीक है पार्थ, यश, पार्थ और यश। चलो आगे समझ में। चलो देखो रेन प्रॉब्लम कुछ है नहीं वैसे, रेन प्रॉब्लम में क्या कहता है आपसे, यार इन सब चीजों में थ्योरी है ही नहीं, थ्योरी बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। तो आओ चलो रेन प्रॉब्लम फिर भी लिख लेते हैं। रेन प्रॉब्लम में क्या कहता है आपसे, ठीक है? वो कहेगा आपको तीन चीजें दी होंगी, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्या है, रेन रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, जो एक्चुअल में है, वेलोसिटी ऑफ मैन, जनरली हम इंसान की बात करेंगे, ठीक है? कल के दिन में कार आ जाएगी, कार के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, लेकिन हम मैन मान के चल लेते हैं, वही कार बन जाएगा बाद में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है? तो एक्चुअल वेलोसिटी है,
जैसा मेरे को दिख रहा है बारिश इतने से गिर रही है, इस एंगल पर गिर रही है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आर से जा रही है और ऐसे गिर रही है, ठीक है, जो दिख रही है दिख रही है। कब? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब आप ग्राउंड पर खड़े हो देख लो, ठीक है ना, ग्राउंड बन के देख लो, जब कोई मूविंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ग्राउंड के हिसाब से देखो, इंसान चल रहा है इतने की स्पीड से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग गया 10 किलोमीटर पर आर से आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि 10 किलोमीटर पर आर से हो जा रहा है, साथ में आप भी 10 किलोमीटर पर आर बगल से चलने लग गए, 10 किलोमीटर जॉगिंग साथ साथ में कर रहे हो, तो आपको लगना चाहिए वो रुका हुआ है, होगा कि नहीं होगा? आपके रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर वो भी 10 से जा रहा है, आप भी बगल में 10 से जा रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। लेकिन आपको उसकी वेलोसिटी अपने रिस्पेक्ट में नहीं, इंसान की वेलोसिटी जो जनरल है, जो भी छाता होता पकड़ेगा उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो दोनों एक्चुअल में है जो होती है। अब एक चीज और आती है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमें इसका मतलब होता है, हमें इसका मतलब होता है इस वाले से, इस बार हमें रिलेटिव वाला निकालना है। अभी तक हम एक्चुअल निकाले थे, इससे पहले वाले में एक्चुअल निकाला था, ठीक है ना, उससे पहले नदी वाली प्रॉब्लम में भी हमने एक्चुअल निकाला था, एक्चुअल क्या हो रहा है। इस बार एक्चुअल दिया होता है आपको, एक्चुअल रेन की वेलोसिटी दे रखी है, एक्चुअल मैन की वेलोसिटी दे रखी है। इस बार जानना चाह रहा हूँ, रेन गिर तो रही है, लेकिन वो चलते हुए इंसान के रिस्पेक्ट में कैसा गिर रही है, ठीक है ना। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा भाई, वी आर माइनस वी एम, कितना समझ में आता है, ठीक है, बस इसी से काम करना है। यानी क्या हो गया, रेन तो होगी होगी प्लस माइनस वी एम, बताओ। तो इंसान के रिस्पेक्ट में रेन कैसे गिर रही है, और रेन की वेलोसिटी जो है वो तो है ही है, प्लस माइनस वी एम, समझ में आई बात, प्लस माइनस वी एम मतलब माइनस ऑफ मैन कर दो, मैन की वेलोसिटी को उल्टा कर दो, तो उसका और रेन का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है आपको, मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, इसमें थ्योरी इतनी है इसकी, बस कोई थ्योरी होती नहीं है, मैं शुरू में थ्योरी है ही नहीं यार आपके, न्यूटन लॉ में आगे तक बहुत ही कम थ्योरी है, न्यूमेरिकल से ही समझते हैं, ऐसा क्या बता दूंगा, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब क्वेश्चन कहता है, मान लो, ठीक है, अ मैन मैन इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कहाँ भाग रहा है, जमीन पर भाग रहा है आपका, ठीक है, ठीक है। रेन इज फॉलिंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन in which man should point his umbrella, कुछ इस टाइप का आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको लिख लो जब तक बताता हूं। लिख लिया क्या?
यस सर ठीक है क्वेश्चन भी लिख लो क्वेश्चन भी लिख लो सर लिख दिया चलो देखो तो क्या है इतना तो आपको पता ही है क्या क्या दे रखा है इसमें इसमें क्या क्या दे रखा है इसमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन ठीक है वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है आपको अब मान लो इंसान जा रहा है ऐसे करके 10 से ठीक है इधर को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मान लेते हैं ऐसे बना लेते हैं इंसान हॉरिजॉन्टल में जा रहा होगा इंसान ऐसे करके जा रहा होगा बारिश नीचे को गिर रही होगी इसको एक्स बना देते हैं इसको वाई बना देते हैं ठीक है तो ये माइनस का वाई हो जाएगा ये इतना हो जाएगा अगर मैं प्रॉपर वेक्टर फॉर्म से चलता हूँ तो ध्यान दो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से 10 आई कैप बताओ इंसान की वेलोसिटी कितनी हो गई 10 आई कैप ऐसे चल रहा होगा इंसान पैदल चल रहा है ऐसे करके बारिश वर्टिकल गिर रही है ठीक है तो मैंने इस डायरेक्शन को एक्स बना दिया है ये वर्टिकल वाली डायरेक्शन में वाई ले लिया ऊपर को लेना है आपकी मर्जी है नीचे को लेना है आपकी मर्जी है वाई को पॉजिटिव मैं ऊपर को ही ले रहा हूँ जो नॉर्मल हम लेते हैं नीचे को भी ले सकते हो आपकी मर्जी क्योंकि एक्स वाई आप बता रहे हो अभी बताता हूँ आंसर कैसे बताना है इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी रेन कैसे गिर रही है रेन तो गिर रही है नीचे को रेन तो गिर रही है नीचे को कितने से 5 से रेन तो नीचे को गिर रही है 5 से एक काम करते हैं इसको थोड़ा इधर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है 10 आई कैप वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया है 5 माइनस जे कैप ठीक है 5 माइनस जे कैप तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा वी आर माइनस वी एम कितना आ गया वी आर माइनस वी एम ये कितना आ जाएगा माइनस 5 जे कैप या फिर 5 माइनस जे कैप तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस आई कैप हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड के तो होता नहीं है माइनस किसके साथ आएगा कैप के साथ अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है कौन से माइनस जे कैप माइनस आई कैप कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ थर्ड ठीक है और ऐसे भी समझो जरा ध्यान से समझो हमें क्या करना है रेन जहां को है किन दोनों का रिजल्टेंट है रेन का और माइनस वी एम का रेन का वेक्टर बना दिया अगर डायग्राम से चलना है तो रेन का वेक्टर बनाया और माइनस वी एम बना लिया वी एम उधर को है तो माइनस वी एम का वेक्टर इधर को आएगा मैग्नीट्यूड 10 ही होगा देख लिया माइनस का वी एम वेक्टर बताओ ये वाला वी एम वैक्टर होगा ये वाला वी आर वाला होगा अब इन दोनों का जहां को रिजल्टेंट आता है इन दोनों का जहां को रिजल्टेंट आएगा ये वाली आपकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किन दोनों का रिजल्टेंट है रेन का प्लस माइनस वी एम का तो वी एम उधर को है तो माइनस वी एम इधर को आ गया ठीक है अब आपको ठीक है एक चीज तो पता चल रही है ये इधर को आ रही है ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट है पता भी आपको
ये वाला एंगल निकालना है, मान लो यार एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू खाली मैग्नीट्यूड लिखो दिस, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, टेन थीटा लगाओगे तो 10/5 2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई है टेन इनवर्स 2। अच्छा छोटा तो नहीं दिख रहा, दिखाई क्लियर दे रहा है कि बड़ा लिखूं, क्लियर है कि थोड़ा बड़ा लिखना है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है, तो tan inverse 2। अब क्या करोगे भाई, रेन इस यहां को आ रही है तो छाता कहां को लगाओगे, छाता लगाओगे आप, छाता कहां को लगाओगे, छाता इसके बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी थीटा आएगा और यहां को लगा दोगे आप छाता, ये आ गई आपकी छाता, छाता ऐसे करके आएगी, समझ गए ना, कितने एंगल पर, बिल्कुल इसके उल्टा, ऐसे बना गया इसको, अजीब सा बन गया, तो अम्ब्रेला ऐसे करके आ जाएगी यहाँ पर, अम्ब्रेला ऐसे करके लगाओगे एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, थीटा कितना है टेन इनवर्स 2, इतने पर्टिकुलर एंगल पर आप लगाओगे छाता विद द वर्टिकल, हमेशा आंसर विद द वर्टिकल है कि विद द हॉरिजॉन्टल है, ये जरा ध्यान देना, जनरली आंसर विद द वर्टिकल देता हूं, ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया, ठीक है, ये है, ये है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ को बनेगा, नहीं तो सिंपल इतना पता आता है, बस वेक्टरों से चल लो, डायग्राम से ही चल लो, वी आर नीचे को है, माइनस वी एम, वी एम अगर उधर है तो माइनस वी एम ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आपको आता है पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम ना है, जहां को नेट आया वो वी आर एम, अच्छा वी आर एम इतना आया, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वी आर एम का मैग्नीट्यूड, कल के दिन पूछता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 5√5 निकल के आ जाएगा, ठीक है, नीली समझ में आई प्रॉब्लम, सर टैन थीटा में माइनस टैन क्यों नहीं लगाते, माइनस टेन लगाओगे, माइनस फाइव लगाओगे, यार हम तो, हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, टेन थीटा मतलब क्या लग रहा है आपको, 90 से बड़ा आ सकता है क्या, हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में आके देख रहे हैं ना, हम पूरा यहाँ से थोड़ी ना मेजर कर रहे हैं, हम एक्चुअल में एंगल यहाँ से मेजर होता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज, बताया था ट्रिग्नोमेट्री में सर ने, हाँ हम तो खाली बस थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ये वाला एंगल कितना होगा, तो हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना, क्योंकि हमारे तो एंगल पता है, हमने पैसे ऊपर आना नहीं है, तो दिस अपॉन दिस करो बस, तो खाली मैग्नीट्यूड ले लो वहां पर, तो किसी और क्वाड्रेंट में होता तो भी ऐसे ही करते, हाँ 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 हाँ, किसी और क्वाड्रेंट में अगर छोटा एंगल बना रहे हो आप तो उसमें वही लेके चलोगे ना, एंगल भी तो वही निकल रहा है ना, फिर एंगल भी तो 90 से कम वाला निकल रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट हो, फोर्थ क्वाड्रेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ में आई बात, माइनस टेन क्यों नहीं लिया, माइनस फाइव क्यों नहीं लिया, Yes, ये लेंथ चाहिए ना मेरे को एंगल निकालना है यार, ज्योमेट्री लगानी है मेरे को, अब वो माइनस का साइन क्या है, वो तो वेक्टर के हिसाब से है कि भाई उधर प्लस माना इधर माइनस, लेकिन मेरे को तो लेंथ से मतलब है ना, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, खत्म बात, तो जरा चीजें ऑब्जर्व कर ही गया, इंसान वैसे बारिश गिर रही थी सीधे, इंसान भागा इधर को, उसको बारिश कैसे आते हुए दिखाई दी, ऐसे एंगल पर आएगी, अगर इंसान सामने को भाग रहा है, बारिश गिर रही है नीचे को, इंसान सामने को भाग रहा है तो इंसान को बारिश ऐसे आते हुए दिखाई देगी, सामने से ऐसे एंगल पर, ठीक है, अच्छा इंसान और तेज भागेगा, इंसान 10 की जगह पर कर लेगा 10 की जगह 100 करेगा, तो क्या होगा, ये वाला लंबा बनेगा ऐसे करके वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहाँ को आएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा फ्लैट होने लग जाएगा, यह आई बात समझ में, या फिर यहां से देख लो, टेन थीटा अभी 10/5 है, अगर मैं इंसान की स्पीड बढ़ाते जाऊंगा तो थीटा बढ़ता जाएगा, टेन थीटा बढ़ के आएगा, यानी थीटा बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ के अगर स्पीड बढ़ा के गए थीटा बढ़ते गया, यानी बारिश हमें फ्लैट दिखने लग जाएगी, फ्लैट फ्लैट अपनी स्पीड इंफिनाइट कर दो, बहुत ज्यादा कर दो,
इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कर दो ताकि सच दैट हमारा एंगल एक टेन थीटा बन के आ जाए, बहुत ज्यादा वैल्यू बन के आ जाए, 2-3 लाख बन के आ जाए, ठीक है। और उतनी अगर मान लो बन के आ गई तो एंगल हमारा ऑलमोस्ट 88-89 डिग्री चल रहा होगा, 1089 होगा ना, बहुत बड़ा एंगल होगा 1089, मतलब 1089 वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, या फिर 1085 तक की कर लो, पता नहीं चलेगा आपको, इसलिए बारिश सामने से आ रही है, ठीक है ना। क्यों कहानी हो रही है, कहानी है डायग्राम की, कहानी है फॉर्मूला इतना सा है बस, ये फॉर्मूला उसके बाद डायग्राम बनाओ उसको एनालाइज कर लो। एक प्रॉब्लम और कराऊं, अगली बार क्या दिया होगा आपको, ये तो दिए होंगे रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन, वैसे रिलेटिव मोशन टफ नहीं है, अगर उसको फिजिक्स के हिसाब से नहीं देखना, वेक्टर के हिसाब से देखते जाओ ना तो टफ है ही नहीं, वेक्टर की एप्लीकेशन है पूरा रिलेटिव मोशन। तो कौन सा चैप्टर टफ है? वैसे तो टफ ही आता है, 12th के कंपैरिजन में सब टफ ही चल रहा है, रिलेटिव मोशन 12th वालों से पूछो, रिलेटिव मोशन भूल गए होते हैं, लगाना ही नहीं आता, क्योंकि शुरू शुरू में 11th में सबसे शुरू में यही सबसे टॉपिक अच्छा मिलता है, न्यूटन लॉ ठीक है समझ में आ जाता है ठीक ठाक लेवल पर, वही है एचएलपी में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, वर्क एनर्जी ठीक ठाक है, फिर आती है रोटेशन, वो बैंड बजा देती है, तब तक आपका दिमाग भी डेवलप हो जाएगा लेकिन वो फिर भी बैंड बजाएगी रोटेशन, वो हो गया एसएचएम हो गया, एसएचएम भी एकदम पकड़ में नहीं आता, फिर आसान है, फिर तो आसान ही है फिजिक्स, मतलब रोटेशन एसएचएम तक जहां तक जिसने कंप्लीट कर ली फिजिक्स उसमें कमांड आ जाएगी, मतलब ये एडवांस के क्वेश्चन तो तगड़े वाले हो जाएंगे, यहां तक किसी को दिक्कत? चलाओ भाई उसके बाद अगला करते हैं, सॉल्व एग्जांपल कौन से में आ गए हम, 20 में आ गए क्या? 21 खुद से करोगे कि बता दूं? अन्वेषा एक काम करो, क्या सर वो एक्सरसाइज 2 में वो पहले यार, और रुको 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 मेरे पास भी है शायद रिलेटेड इशू, चलो चलो खुद से कर लो, अगला एग्जांपल कर लो, शीट तो मिलने दी है, अगला एग्जांपल कर लो 21 वाला कर लो, क्या कह रहा है 21 वाले में क्वेश्चन, क्या कह रहा है? Rain is falling vertically at a speed of 10 meter per second and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. Same है, है ना? ये तो है. कुछ difference है क्या? Man की speed 6 है, rain की 10 है बस. Same question है 21 वाला. Nili समझ में आया क्या? 21 वाला सेम क्वेश्चन है, नीली समझ में आ गया? मैंने देख रही हूँ सर, मुझे बुक्स ही नहीं मिली है इसकी, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे ऐप मेरा ऐप अपडेटेड नहीं है एडवांस के लिए, तो कराओ यार, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं,
कुछ करो उसमें, जुगाड़ उगाड़ करो। इतना कॉल करो सर, वो उठाते ही नहीं है या फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। अरे तो इसमें डालना ना, एडीएस सर से बात करना, उस फिल्म एडीएस सर संभाल ले, एडीएस सर से कह देना ना सीट के लिए तो कह सकते हो, सीट तो अभी तो मैं मंगवा के कर रही हूँ, फोन पे से देख के कर रही हूँ ना। सीट मंगवा लो ना, वो हार्ड कॉपी तो मंगवा लो, कब तक मोबाइल से देख के करोगे? हाँ सर। हाँ भाई, तो 21 यही क्वेश्चन है, 22 पे आ जाओ। 22 क्या है अन्वेषा? A man moving with 5 meter per second observes rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of the rain with respect to ground. इंसान कितने से भाग रहा है? 5 से। Yes sir. ठीक है, चलो देखो इस बार उसने क्या कर लिया। उसने ये दे रखा है, थोड़ा ध्यान दो, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो रेन पूछ रहा है आपसे, है ना। चलो करते हैं इसको। हाँ भाई, कल एक बार ट्राई करोगे क्या? एक ही फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जरा वेक्टर वेक्टर बना लेना, ट्राई करो। चलो एक बार ट्राई करो, आपका 3 मिनट करो फटा। हो गया, हाँ नैतिक सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अगले में जाओ। विनीत? हाँ सर। सॉल्व हो गया ये वाला 22? हो गया। देखो क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ
रेन एक ही फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या होता है वी आर माइनस पी एम, ठीक है। अब यानी वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस बी एम, बताओ कितना निकल के आ जाएगा, है ना। तो यानी हमें ये निकालना है, ये दोनों गिवन है, इस बार ये दोनों गिवन है, तो इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन आ रहा है, बस दोनों को रिजल्टेंट निकाल लो दोनों का। इंसान कितने से चल रहा है, इंसान इधर को चल रहा है, मान लो इंसान की स्पीड कितने रखी, 5 की 10 5, ठीक है ना। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, 5 है। अच्छा आपको याद है जब वेक्टर पढ़ाया होगा, सर ने बताया होगा, एक्चुअल में वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आप अगर आप प्रॉपर ज्योमेट्री से बनाओगे स्केल से, आपको एग्जैक्ट एंगल भी आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। तो 5 का ही बनाया मैन इतने से, उसको ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको वर्टिकल गिरते हुए दिखाई दे रही है 10 से, इसका दुगनी लेंथ का बना दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये 10 का है, 10 से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है उसको। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब एक्चुअल में रेन ऐसे गति दे रही है, ठीक है, समझ गए हो गए आप, एक्चुअल में रेन, अरे सही हो गया भाई, ये आएगी ऐसे गति, ये आएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वो पूछेगा जनरली एंगल कितना वर्टिकल बोलता है, तो ये वाला एंगल को थीटा मान लेना, तो यहां से 10 थीटा निकल के आ जाएगा, 10 थीटा निकल के आएगा दिस 5/10, तो थीटा आ गया 10 inverse 1/2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, वी आर का स्क्वायर होगा 5 square + 10 square, बताओ, यानी वी आर आ जाएगा आपका 5√5। तो 5 इतना आंसर है, इतनी स्पीड से जा रहा होगा, इतना एंगल विद वर्टिकल, दिस इज द एंगल मेड बाय रेन विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाते हुए चल रहा होगा, बताओ समझ में आ गई बात, कि भाई वर्टिकल के साथ इतना एंगल पर चल रहा होगा। हाँ नीली, समझ में आया क्या, ठीक है। नहीं वो कर लिया करो ना, अब तक ऐसा नहीं हो रहा, तो एक काम कर लिया करो, किसमें देखते हो, लैपटॉप में चला रहे हो कि इसमें मोबाइल पर देख रहे हो अभी, लैपटॉप, हाँ तो मोबाइल में वो कर लो ना, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज मांग लो फिर से, सर ऐसे तो मैंने मेंस के शीट में से रेफर किया, हाँ। पर एडवांस की एग्जाम थी ना, अच्छा के लिए ये समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत, आज यश विनीत सर आपके पास शीट का हार्ड कॉपी है, मेरे पास इसका नहीं है यार, मेरे पास इसका तो नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है, पढ़ लिया मैंने, कर रखी सॉल्व, तुमसे पूछ लूंगा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करा देंगे, मेरे को थोड़ा ना सॉल्व करनी है बैठ के, अब सी कर लिया, बुढ़ापा आ गया, चलो भाई अगला क्वेश्चन 23, अन्वेषा हो गया क्या 23, नहीं सर कर रही हूँ बस, नैतिक, हाँ सर हो गया, आगे बढ़ो, हाँ भाई विनीत 23 कर रहा हूँ सर,
सॉल्व एग्जांपल 23 क्या कह रहा है, ठीक है। विनीत एक बार यार बोल के बता दो जरा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रहा है। A standing man observes rain falling with velocity 20 meters per second at an angle of 30 degree with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. ठीक है, शुरू में क्या है, मैन को कितना दिख रहा है, 30 degree with the vertical. शुरू में बारिश कितने से गिर रही है, 20 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना दे रखा है, 30। करेक्ट, यस सर। ठीक है, अब को कह रहा है कितने से भागना चाहिए इंसान को, कितने से भागना चाहिए कि बारिश वर्टिकल दिखाई दे ना। हां सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यानी हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात कर रहे हैं, ये कितना होता है vr माइनस vn, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, vr प्लस माइनस पीएम। या तो अगर हम डायग्राम से ही चलते हैं तो भी सही है, देखो ये क्या है, ये वीआर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मान लो अगर हमारा बारिश ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है, ये वीआर है, ये तो ठीक है ऐसे करके, इंसान भागेगा तो हॉरिजॉन्टली भागेगा, इंसान भागेगा तो हॉरिजॉन्टली भागेगा, वीआर यहां को है और माइनस पीएम, VR और माइनस VM का रिजल्टेंट। अब मान लो ये वाला माइनस VM है, माइनस VM इधर को होना चाहिए कि इधर को होना चाहिए, माइनस VM को कोई अगला X वेक्टर बना दो, तो VR वेक्टर प्लस X वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ को आना चाहिए, यहाँ को आना चाहिए, ऐसे करके ये है VR विद रिस्पेक्ट टू, ये VR में वर्टिकल आना चाहिए, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल करनी है तो ऐसा हो जाना चाहिए आपका, माइनस VM इन दोनों का रिजल्ट है VR और माइनस VM का, तो VR तो बना दिया हमने, तो माइनस VM कहाँ को होना चाहिए, अगर इधर को होगा तो रिजल्टेंट यहाँ को आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस VM इधर को आना चाहिए, इधर को आएगा माइनस का VM, बताओ, यानी इंसान को उधर को भागना चाहिए, इंसान को उधर को भागना चाहिए, तभी जाके इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे करके बन के आएगा, बताओ यहां तक समझ में आई बात, ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब ये बताओ अपने पास कितने वेक्टर चल रहे हैं, अपने पास है तीन वेक्टर, कौन सा, माइनस वीएम, वीआरएम और एक वीआर, इसमें से किस किस का रिजल्टेंट कौन है, वीआर और माइनस वीएम का रिजल्टेंट ये है, ठीक है, माइनस VM और VR का रिजल्टेंट ये आ रहा है, यानी कहने का मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि भैया VR का cos 30 इसको भूल जाओ, VRM को भूल जाओ, VR का cos 30, VR का sin 30 और ये माइनस VM, माइनस VM जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, थोड़ी देर के लिए V0 बोल देते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी ऑफ मैन को वीएम को ना, वीएम के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को माइनस वीएम का मैग्नीट्यूड, थोड़ी देर के लिए वी नॉट बोल दो, मैग्नीट्यूड हाँ, तो इधर को वी नॉट मैग्नीट्यूड है, इधर को वी आर साइन थीटा है, इधर को ये है थीटा वीटा सब पता है हमें, रिजल्टेंट कहाँ लाना है, रिजल्टेंट वर्टिकल लाना है, रिजल्टेंट वर्टिकल लाना है मतलब ये दोनों को क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का ही मिला के तो ये आएगा, कहां को आ रहा है नेट, नेट आ रहा है आपका वर्टिकल, ऑब्वियस सी बात है कि वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू आ जाना चाहिए आपकी, वी नॉट की वैल्यू आ जानी चाहिए वी आर का साइन थीटा, कितना आएगा, वी आर रखा है 20 साइन थीटा, 20 साइन 30, 10 निकल के आ जाएगा आपका आंसर, 20 साइन 30 मतलब आपका 10 निकल के आ जाएगा, तो इंसान को 10 मीटर पर सेकेंड भागना चाहिए
ठीक है, जहां को रेन आ रही हो वहां को, रेन वाली डायरेक्शन, ठीक है। और आप एक चीज को ऐसे प्रैक्टिकली फील करो, अगर बारिश नीचे गिर रही है, हाँ भाई सब यहाँ फोकस करो जरा, ठीक है, नैतिक यहाँ देखना, बारिश अगर वर्टिकली गिर रही है, मैं ऐसे भागना चालू करूंगा तो बारिश कहाँ से आएगी, सामने से आते हुए दिखाई देती है, ठीक है, और तेज भागूंगा तो बारिश और हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। अच्छा रुक गया तो वैसे वर्टिकल गिर रही है, और मजे की बात, अगर पहले से बारिश ऐसे गिर रही है, पहले से आगे को गिर रही है, पहले से बारिश आगे को गिर रही है, जो कि ये वाला केस है, ठीक है, तो मैं अगर बारिश की डायरेक्शन में भागूंगा, मतलब मैं इधर को ही भाग रहा हूँ, तो ये वाला वेक्टर मेरे को सीधा होते हुए दिखाई देगा, तेज भागूंगा तो वर्टिकल हो जाएगा, और तेज भागूंगा ऐसे घूमेगा, और तेज भागूंगा ऐसे घूमने लग जाएगा, यानी मैं जहां को भागूंगा बारिश वहां से आते हुए दिखाई देने लग जाएगी आपको धीरे धीरे। तो शुरू में अगर वेलोसिटी ऐसे है रेन की और आप उधर को ही भागना चालू कर रहे हो, तो जहां को भी आप भागोगे पानी उसकी ओर से आता हुआ दिखाई देगा, फिर आपको धीरे धीरे ये चेंज होते जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट नंबर देखो, क्योंकि वीएम के साथ रिजल्टेंट नहीं है, माइनस वीएम के और वीआर का रिजल्टेंट है। वीएम बढ़ाते जाओ, वीएम को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये जिस जो बारिश दिख रही है आपको, ये और ऐसे ऐसे होते दिख जाएगी, मतलब ऐसे आते जाएगी, ऐसे सामने से आते हुए दिखाई देने लगते, ठीक है। अच्छा यहां से एक और चीज अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, वीआर का कॉस 30, पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा तो ये हो गया आपका कितना आ जाएगा, 10√3, ये हो गया। ये तो वेक्टर में प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके कर लिया आपने। आप एक और काम कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो, एक्स वाई के हिसाब से चलना है, एक्स वाई के हिसाब से चल लो, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, एक्स है ये वाई है, तो वी आर कितना हो गया, वी आर वेक्टर हो जाएगा, तो ध्यान देना, 20 का साइन 30 आई कैप प्लस 20 का कॉस 30 माइनस ये कैप, बताओ वी आर वेक्टर समझ में आया, इसको वी आर वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखो, कॉस 30 साइन 30, तो साइन थीटा आई कैप इतना, cos थीटा माइनस j का y ऊपर को माना है, वेलोसिटी ऑफ मैन को थोड़ी देर के लिए बोल दो v0 i cap, ठीक है। तो यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, कितना आ जाए, यह आएगा इन दोनों का एडिशन करोगे तो 20 sin 30 plus v0 माइनस है, बीच में माइनस का साइन है, तो यानी माइनस वी नॉट इतना आई कैप बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, ये 20 cos 30 माइनस जे कैप बन जाएगा। अब एक बात बताओ, वी आर एम जो भी होगा माइनस जे कैप माना चाहिए, ठीक है, माइनस जे कैप माना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाना चाहिए, जीरो, क्योंकि वी आर एम जो नेट वेक्टर है वो नीचे को आएगा आपका, ठीक है, ठीक है, वो नीचे को आएगा, तो आई कैप में कुछ होना ही चाहिए, तो इसको जीरो कर लो तो वहां से भी वो 10 निकल के आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। या तो वेक्टर में चल लो, सारी कहानी उसका छोड़ो, डायग्राम आएगा बाद में है, अपने कोई टेंशन नहीं है, सारा हेडेक उसका है, या फिर डायग्राम से चल लो, दोनों से एक फॉर्मूला एक ही चल रहा है, फॉर्मूला की तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो एक ही है, तो बनाना आना चाहिए आपको। अन्वेषा समझ में आ गया? यस सर। नीली? यस सर। आज? यस सर। ठीक है, चलो फिर इसको लिखना है लिख लो, फिर इसके बाद 24th वाला करो। सर अब नया टॉपिक है, क्या हो गया भाई? हाँ सर, क्या नया टॉपिक चालू है क्या उसके बाद?
हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन इन टू डायमेंशन. तो एक काम करो, एक्सरसाइज टू में से एक क्वेश्चन उठाओ सब्जेक्टिव में से. एक्सरसाइज टू में से सब्जेक्टिव नहीं होगा, इंटीजर होगा, ठीक है? कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के बोलो. चलो एक आधे, कोई टाइम भी कितना बचा है अपने पास, आधा घंटा बचा हुआ है, खाली नया टॉपिक क्या चालू करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में खत्म हो जाएगा वो आपका, अगली क्लास में रिलेटिव खत्म हो जाएगा. सर रेन का क्वेश्चन बोल, तुम्हारी मर्जी यार, किसका बोलना, तुम रेन का बोलना है? हाँ सर. हाँ चलो रेन का, रेन का किससे बोलना है, एचएलपी में से बोलना है, उसमें से बोलना है? अरे एक काम करो, चलेगा लेकिन अभी यार तुम, ये तुम्हें ढंग से समझ में आ गई दो तीन प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है? पहले एक्सरसाइज टू से रखो यार, एक्सरसाइज टू से रखो, है ना? एक सेकंड ना, पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रीवियस ईयर में देख लेता हूँ, अगर कोई आ रखा होगा तो पहले वो करवा देता हूँ. प्रीवियस ईयर में 2014 में एक क्वेश्चन आ तो रखा है, लेकिन देखते हैं उसको अभी, ठीक है? वो तुम्हारे होमवर्क के लिए काम आ जाएगा. हाँ चलो बताओ, बताओ तुम ही बता दो. एक्सरसाइज टू में से इंटीजर वाले में से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो. एक्सरसाइज टू पार्ट टू क्वेश्चन सेवन. रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट एन एंगल. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. एक्सरसाइज टू पार्ट टू क्वेश्चन सेवन, भाई सब लोग देख लो, सब लोग देख लो एक्सरसाइज टू पार्ट टू क्वेश्चन नंबर सेवन. हाँ बताओ. रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद वर्टिकल टू द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर्स पर सेकंड. When he increases the velocity of the car to when he increases the velocity of the car to 25 meters per second, the rain again appears to fall at an angle 37 degrees with vertical. If the actual velocity of rain relative to ground is 4n meters per second, find n. ठीक हो गया. तो question क्या कह रहा है? Car वाला जा रहा है 7 meter per second से. उसको बारिश आते हुए दिखाई देगी वर्टिकल के साथ 37. आ रही होगी बारिश, उसको लग रहा होगा 37 से गिर रही है. अब उसने स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है? क्या होता है बारिश के साथ, क्या होता है, दो बार 37 कैसे आ रहा होगा? अब स्पीड अपनी अगर बदल ली है तो 37 दूसरी बार आने का क्या मतलब है? हाँ विनीत बताओ, बड़ा क्वेश्चन. एक्सरसाइज टू पार्ट टू क्वेश्चन नंबर सेवन. हाँ सब पढ़ो भाई, और पूछूंगा फिर, खाली समझाने को कहूंगा कि हो क्या रहा है. अन्वेषा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर समझ. 237 कैसे आएंगे बता दो. सर पहले पीछे से आ रहा होगा, फिर तेज हो गया तो आगे से आ गया, है ना? जब तेज करेगा तो सामने से दिखता हुआ दिखाई देगा. तो क्या होता है, इंसान हो, ठीक है, ये मान लो इधर को जा रहा है, इंसान इधर को जा रहा है, जैसे जैसे ये अपनी स्पीड वी को बढ़ाते जाएगा तो क्या होगा, बारिश अगर पहले इसको ऐसे अपियर हो रही है, हो सकता है ऐसा वाला केस हो, इधर बारिश एक्चुअल में अगर ऐसे गिर रही है, मान लो चल ही नहीं रहा है, पहले से बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा एंगल पर, कोई अच्छे खासे एंगल पर, तो जैसे से वी बढ़ाएगा ना, जैसे से वी बढ़ाएगा ये वाली चीज कैसे बदलती जाएगी,
ऐसे करके इधर को आएगा, फिर इधर को होगा, फिर इधर को होगा, फिर ये होगा. ये velocity of rain with respect to man है. velocity of rain with respect to man ऐसे से होते जाएगी जैसे से वो, तो यानी वो कहानी इस तरीके से चलेगी. as man increases speed, increases speed, तो ये कहानी ऐसे से आएगा, इधर से इधर को जाएंगे. समझ में आई बात कि पहले ऐसे दिखाई दे रही होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा? velocity of rain with respect to man कितना होता है? vr minus vm, यानी बेसिकली vr प्लस माइनस vm, इन दोनों का रिजल्टेंट है. ठीक है ना, इन दोनों का वो रिजल्टेंट चल रहा है. अब इंसान तो जा रहा आगे को, तो माइनस का vm वाला वेक्टर तो ये बन गया. ठीक है, माइनस का vm वाला वेक्टर ये बन गया, माइनस vm वेक्टर. ठीक हो गया, माइनस vm. vr, vr मान लो अगर पहले से बारिश ऐसे करके गिर रही है, ठीक है, पहले से बारिश ना, पहले से बारिश आगे को गिर रही है, मान लो vr को आगे को मान लो. ठीक है, तो बारिश को मान लो शुरू में ऐसे करके गिर रही है, शुरू में बारिश ऐसे करके गिर रही थी, तो रिजल्टेंट कहाँ को आएगा? जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे कुछ इस तरीके से बनेगा, ये करके, तो यहां को आएगा. ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं माइनस वीएम वाले को बढ़ाते जाऊंगा, माइनस वीएम वाला इतना बढ़ा दिया, वीआर वाला छोटा ही है, माइनस वीएम वाला इतना बढ़ा दिया, VR वाला छोटा ही रह गया. अब रिजल्टेंट कहाँ को आएगा? पैरेललोग्राम ड्रॉ करो. ठीक है, अब रिजल्टेंट कहाँ को आएगा? अब रिजल्टेंट यहाँ को आने लग जाएगा, ये VR आने लग जाएगा. यानी हुआ क्या है, धीरे धीरे अगर अगर शुरू में बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है ना, तो और आप जाओ उधर को रहे हो, तो आपको धीरे धीरे VR बारिश पहले रुके हुए में बारिश अगर ऐसे गिर रही है तो ऐसे ही गिर रही है. आप इधर को भागना चालू करो, बारिश अपना एंगल घुमाते जाएगी, एक्चुअल वाली नहीं, जो आपको अपीयर होगा, एंगल घूमते घूमते वर्टिकल होगा, ऐसे भी होने लग जाएगा. क्यों हो रहा है समझ में आ गया ना? इन दोनों का रिजल्टेंट है इसलिए. तो दो केस हैं इसमें, तो दो केस क्या है? दोनों केस में पहले करते हैं जब वो सात की स्पीड से जा रहा होगा, जब स्पीड स्लो होगी तो ऐसा वाला हिसाब किताब होगा, या वर्टिकल के साथ 37 बना रहा होगा ऐसे वाले आगे को. अगली बार वो सामने से आ रही होगी बारिश, सामने से 37 बनाएगा. तो पहला केस, जब वीएम की वैल्यू 7 है, वीएम की वैल्यू 7 है, मतलब इंसान ये वीएम है, ये वीएम है, तो इधर को आएगा आपका, इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर को आ गया माइनस का वीएम. ठीक है, ऑब्वियस बात है, शुरू में क्या हो रहा होगा, शुरू में रेन ऐसे करके, यह है वी आर एम. वी आर एम कितना हो रहा है? वी आर एम आ रहा है आपका 37 डिग्री. ठीक है, और वी आर ऐसे करके होगा, यह वी आर हो गया आपका. बताओ यहां तक समझ में आया क्या? क्योंकि देखो वी आर तो फिक्स है, जैसे जैसे अगर ये बढ़ गया ना माइनस का वी एम, यानी इंसान स्पीड बढ़ाते जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट आगे को शिफ्ट होने लग जाएगा, क्योंकि क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है वीआरएम. वीआरएम अगर इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा रिजल्टेंट, उसकी साइड को इंक्लाइन होगा कि नहीं होगा? जो वेक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है उसकी ओर को इंक्लाइन होने लग जाएगा. शुरू में वीएम कम रहा होगा, मैं वीएम कम रहा होगा तो वीआर की ओर को इंक्लाइन होगा, वीआर इधर को रहा होगा, इधर को इंक्लाइन है. अगली बार आपने वीएम को बढ़ा दिया तो वीएम की ओर को आ जाएगा, तो ये सिनेरियो हो चुका होगा. अब देखो माइनस वीएम, इसकी वैल्यू कितनी है? है तो 7 ही, इसकी 7 है. ठीक है, वीआर इतना चल रहा है. एक काम कर लेते हैं, ये वाला एंगल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वर्टिकल के साथ थीटा पे गिर रही है बारिश, वर्टिकल के साथ थीटा पे गिर रही है. तो क्या बना हमारा? हमारा बना यहां को आया वीआर का कॉस थीटा, इधर को कितना आ गया? इधर को आ गया, जरा देखो जरा ध्यान से, वी आर का साइन थीटा माइनस 7. माइनस 7 समझ में आया क्या?
उधर सेवन है ना, इधर सेवन है, माइनस वीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सेवन, तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, यानी इसका क्या मतलब हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, इधर को आपका कितना आ गया, इधर को आपका आ गया है वी आर साइन थीटा माइनस सेवन, और वर्टिकली आ गया वी आर का कॉस थीटा, और इनका रिजल्टेंट जो आ रहा है, ये वाला एंगल दे रखा है 37 डिग्री, तो टेन 37 लगा लो यहां से, टेन 37 कितना होता है भाई, टेन 37 दिस वी आर साइन थीटा माइनस सेवन, वी आर साइन थीटा माइनस सेवन अपॉन वी आर का कॉस थीटा, यहां से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, आपका सेम है, अगली बार ये 25 होगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अगली बार वाले केस में क्या होगा, सेकंड केस में, क्या हो जाएगा, अच्छा इधर वाला मिटा दू क्या, ये समझ में आ गया क्या, हाँ लीली ये समझ में आया क्या, यस सर, इसे इसको लिखना है सर, मुझे वो नीचे वाला सेकंड डायग्राम बताओ ना, ये वाला नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड, ये हाँ, देखो इसमें क्या है, देखो बस ये कह रहा हूं, जैसे जैसे इंसान की स्पीड बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे सिनेरियो बदलता जाएगा, देखो वीएम माइनस वीएम, बढ़ाते जाओ, तो माइनस वीएम भी बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर को आने लग जाएगा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है वी आर और माइनस वीएम का, वो इधर की ओर को शिफ्ट होने लग जाएगा, यानी कहने का मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट है, जैसे से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिजल्टेंट जो होगा, वो इधर को शिफ्ट होने लग जाएगा, पहले यहां था फिर इधर उधर को होते होते इधर को हो गया, तो वही तो दो पॉसिबल होंगे, पहले ऐसे 37 बन रहा होगा, बाद में उल्टा 37 बन जाएगा, बाद में उल्टी डायरेक्शन में 37 बन के आ जाएगा, क्योंकि जैसे से आप इसको बढ़ाओगे वीएम को, तो रिजल्टेंट वीएम की ओर को शिफ्ट होने लग जाएगा ना, शुरू में कम रहा होगा तो सामने को होगा, रेन डोमिनेटिंग होगी, तो रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट रेन की ओर को जाएगा, तो वर्टिकल से फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में 37 बन रहा होगा, बाद में क्या होगा वीएम बढ़ाते गए तो रिजल्टेंट पीछे को शिफ्ट हो गया होगा, वर्टिकल से पीछे को होगा 37 आया होगा, तो समझ में आई बात, यस सर, ठीक है, फॉर्मूला एक ही है भाई, इसी पे एनालिसिस करना है आपको, तो मेरे ख्याल से एक कंडीशन तो यहां पर ही आ गई, दूसरी खुद से लगाओ भाई, दूसरा क्या होगा, अगली बार वाले में क्या केस होगा, केस ऐसे करके, इधर को 25 है, इधर को वी आर का साइन थीटा है, नीचे को वी आर कॉस थीटा है, लेकिन इस बार ये डोमिनेटिंग हो चुका होगा, तो बारिश ऐसे करके गिरेगी ना, इस बार ये डोमिनेटिंग हो चुका होगा, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट तो निकल के आ जाएगा, इस बार ऐसे करके होगा वी आर कॉस थीटा, यहां को 25 माइनस वी आर का साइन थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस बार बना रहा है ये, वाला वी आर एम, इस बार वी आर एम अलग है, पहले वी आर एम अलग होगा, इसको वी आर एम डैश बोल दो चाहे तो, अगर ये वी आर एम है, यहाँ को आ रहा है आपका ये वाला, ये वी आर एम आ रहा है, इस बार ये वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, हाँ एंगल 37 ही होगा, अलग बात है, तो यहां से कितना आ जाएगा टेन 37 25 माइनस वी आर साइन थीटा अपॉन वी आर कॉस थीटा, ठीक है, आगे बात समझ में, या तो एक तो ये इक्वेशन है आप पर, और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों से सॉल्व कर लो, वी आर और थीटा अननोन है आपके, दोनों निकाल लो फटाफट से, हाँ वैसा समझ में आया क्या हुआ इसमें, यस सर सॉल्व हो गया था, क्या,
नहीं सर मैं सुन रही थी. अच्छा अच्छा करो करो फटाफट सॉल्व करो. या तो क्या करो दोनों को इक्वेट कर लो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर इक्वेट करोगे वीआर कॉस थीटा कटेगा और वीआर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 32. अब वीआर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 32. वीआर साइन थीटा आ गया है 32. वीआर साइन थीटा 32 आ जाएगा. कर दी क्या मैंने ना 16 आ जाएगा. ठीक है 16 आएगा तो फिर इसमें पुट करना ही पड़ेगा आपको 3/4 VR cos थीटा कितना मेरे को 16 VR cos थीटा 9 3 12 आ जाएगा. तो यहां से आपका tan थीटा निकल के आ जाएगा 4/3. थीटा आ गया आपका 53 डिग्री. तो 53 डिग्री पर गिरेगी और मैग्नीट्यूड निकालोगे यहां से स्क्वायर करके ऐड कर लो तो VR निकल के आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर होता है 256 120 आ जाएगा. तो इतना 20 की स्पीड से गिरेगी बारिश एट एन एंगल 53 वर्टिकल. कौन सा वर्टिकल? फॉरवर्ड वाला, आगे वाला वर्टिकल. जहां को इंसान जा रहा है उधर कोई, जहां को इंसान जा रहा है उसी वर्टिकल के साथ इतना एंगल आएगा. हाँ नैतिक समझ में आ गया? यस सर. सर संडे को टेस्ट में क्या आएगा यार? उसमें रिलेटिव मोशन सर ने बोला था, प्रशांत सर ने बोला था 2 लेक्चर तक का दिया है. अब 2 लेक्चर में पता नहीं, आपको 1 डायमेंशन तो आएगा ही आएगा. रिवर प्रॉब्लम आ सकती है, रिवर और जाली प्रॉब्लम. ठीक है तो रिलेटेड तो आ रहा है लेकिन उसमें मेनली 1 डायमेंशन और रिवर प्रॉब्लम आ सकती है. आप तो पूरा कर लेना चाहते हैं ठीक है, क्योंकि तो अगले लेक्चर में मैं खत्म कर लूंगा. इस बार कितने लेक्चर आपके, 3 लगे कि 4 लगे? चार है ना. तो अगले लेक्चर खत्म ही कर दूंगा इसको और ये रिलेटिव कर ही देना खत्म. सर टेस्ट में नहीं ना आएगा? हाँ रिलेटिव तक ही है, रिलेटिव के भी 2 ही लेक्चर. हाँ हाँ उतने से ही आएगा प्रोबेबली. रिलेटिव में उन्होंने सर ने बोला 2 लेक्चर का आएगा, तो अब उनके हिसाब से बताएंगे 2 लेक्चर कितना होता है. आप पूरा ही तैयार कर लेना रिलेटिव. हाँ भाई और क्वेश्चन बताओ. चलो तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ. नैतिक एक क्वेश्चन ढूंढो यार. प्रोजेक्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, शायद सॉल्व एग्जांपल में होगा, पीछे पीछे 25-26 में होगा, अप्रोच अप्रोच के बाद होगा. एक पत्थर फेंका है, 2 प्रोजेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में होगा शायद, एक्सरसाइज 2 के कॉम्प्रिहेंशन में होगा. यहाँ से भी पत्थर फेंका है, ऐसे करके डायग्राम बना होगा उसका. 2 पत्थर फेंके हैं, एक यहाँ से फेंका है, एक नीचे से फेंका है, एक ऊपर से फेंका है, एक नीचे से फेंका है. ऐसा करके एक प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज 1 में या 2 में, कॉम्प्रिहेंशन में होगी, 2-3 होंगे क्वेश्चन. सर
सर आपको हीरोडोव का डाउट भी डिस्कस करना है। चलो हीरोडोव वाले कर लें क्या, पहले हुआ किसी का वो? हाँ सर। वैशा यस सर हो गया था वो? यस सर। विनीत सर मैंने नेतिक से हेल्प लिया। अच्छा कहीं से देखा तो नहीं, खुद से ही गया ना? हाँ सर। ठीक है ठीक है। हाँ नीली नीली यश पार्थ तुमने भी हेल्प ली, किससे हेल्प ले ली यश तुमने? अरे यार अलोन क्लास में ऊपर स्कूल नहीं खुल रखा ना, मैथ्स में कुछ ज्यादा नहीं, फिजिक्स में कुछ ज्यादा कर लो फ्रॉम सीनियर। ठीक है ठीक है ना। सोचो टाइम दो, दोबारा सोचो, दिमाग खोलने की कोशिश करो जितना दिमाग खुल सकता है। चलो देखो हीरोड वाला बता दूं और किसी किसी को बताना है क्या? मैं समझ में आ गया था। अन्वेषा डिस्कस करना है कि नहीं करूं? सर मुझे जरूरत नहीं है, दूसरे से पूछ लीजिए। नीली क्या था क्या? सर मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा बताओ भाई विनीत से क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पता नहीं, तुम्हारी बाजी भाई, अगली क्लास तक डिसाइड कर लेना, करवाना होगा तो करवा देना। ठीक है चलो एक एक वो फाइनल क्वेश्चन करते हैं आप, कॉम्प्रिहेंशन देखो जरा। विनीत तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तो पैराबोला है। सर क्यों? देखो एक कहा एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी शीट में है सर, कितना दे रखा था यू वेक्टर, कितना उसका यू वेक्टर और एफ वेक्टर? देखो जरा जल्दी से देखो। थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप और ये कितना है? थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप ना, फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप। हाँ भाई ये इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रखा, उस पर फोर्स इतना लग रहा है। ठीक है फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी इतनी दे रखी है। आपको बताना है शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी कि भाई इसका शेप कैसे आएगा। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हैं? अच्छा एफ इक्वल टू कितना होता है? एम ए, एम ए होता है। ठीक है दोनों बराबर होते हैं तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा? फोर अपॉन एम आई कैप। ठीक है थ्री अपॉन एम जे कैप। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स डायरेक्शन में अगर आप ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हो याद है ना, एक्स कोऑर्डिनेट लिखो वाई कोऑर्डिनेट लिखो टाइम को एलिमिनेट कर दो। एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स की प्लस हाफ ए एक्स पी स्क्वायर। बताओ इसको थोड़ा पीछे करते हैं। ठीक है एक्स हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा आपका यू एक्स, यू एक्स कितना है थ्री टी प्लस हाफ ए एक्स, ए एक्स कितना है आपका ए एक्स है फोर बाय एन पी स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? फोर टी प्लस हाफ माइनस थ्री बाय एम टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से टी को एलिमिनेट करना ही है, टी को एलिमिनेट कर पाओगे इसमें से? यहां से टी एलिमिनेट हो पाएगा? हाँ वैसा कैसे करोगे इसको? टाइम एलिमिनेट कर पाओगे इसमें से? ठीक है अब ऐसे करोगे तो फंस जाओगे क्योंकि टाइम एलिमिनेट हो नहीं रहा तो एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी नहीं।
तो क्यों ना मैं एक काम करूं, आप देखो यार, अब ये वहां पर क्लिक करना चाहिए आपको जब भी डेटा देगा, अब यहां से कुछ आ नहीं रहा है, और ये ऑप्शन है आपका, सर्कल दे रखा है, एलिप्स दे रखा है, स्ट्रेट लाइन दे रखा है, और पैराबोला दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो, यू वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट में है, यू वेक्टर कौन से उसमें है। यू वेक्टर के लिए अगर मैं एक्स वाई ए बनाता हूं तो यू वेक्टर इस कितने एंगल पर आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दो, ये वाला कंपोनेंट 4 है, ये वाला 3 है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 4/3, तो थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री, बताओ थीटा आ गया 53 डिग्री, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस से आपका 53 डिग्री पर फेंका गया है। आई बात समझ में, फोर्स के लिए क्या कहानी है या एक्सलेशन की कहानी क्या है, एक्सलेशन कहाँ को है इसका, एक्सलेशन वर्टिकल में तो है नहीं, एंगल पर है, कितने एंगल पर है, आई कैप प्लस का है, जे कैप माइनस का है, तो यानी यहाँ कहीं होगा एक्सलेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ये है, एक्सलेशन वेक्टर ये है, यहाँ एंगल अल्फा मान लो, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा, अब मैग्नीट्यूड पुट करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया है, माइनस के साइन की जरूरत नहीं है, बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दिस यानी वाई वाला 3/m डिवाइडेड बाय 4/m कितना आ गया, टेन अल्फा की वैल्यू 3/4, पता है ना अल्फा कितना हो जाता है 37 डिग्री। अब ये है 53 डिग्री, ये है 37 डिग्री, अगर वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में एंगल 37 होगा, देखो यहां से सॉल्व करना दिक्कत है, ठीक है, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दो, यार एक बात बताओ, पैराबोला, अगर ये पैराबोला है, अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लूं, ऐसे लूं या ऐसे लूं, रहेगा तो पैराबोला ही है, रहेगा तो पैराबोला ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे भी ले लो उससे उस पर थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, इक्वेशन थोड़ी सी बदलेगी लेकिन रहता पैराबोला ये शेप, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे देख लूं, अगर मैं एक्स वाई यहां से ले रहा हूं तो ये एलिमिनेट होना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चल गया वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में एंगल आ रहा है कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, तो ये वो वाला केस नहीं है क्या कि हमने हाइट कहीं टावर की हाइट से एक पार्टिकल को फेंक दिया, टावर की हाइट से एक पार्टिकल को फेंक दिया, एक्सलेशन कहाँ होता है पूरा का पूरा, इधर को होता कि नहीं होता, तो इसका पाथ कैसे निकल के आता है, पैराबोला ही तो निकल के आता था, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बदल दो ना, आप इधर को मान लो, इधर को एक्स मान लो, इधर को आप वाई मान लो, अब हो जाएगा, ठीक है, अब क्या हो गया, हमारी वेलोसिटी कितनी है, हम पर सिर्फ यू एक्स है, यू एक्स कितना है, नेट नेट कितना आ जाएगा, नेट नेट आ जाएगा 5, 3 और 4 का अंडर रूट करोगे तो 5, अब आपकी प्रॉब्लम ये हो गई है, ये है आपका एक्सलेशन भी आप अंडर रूट करके करोगे सॉल्व, तो एक्सलेशन 5/m है, इधर को फिक्स है, आपने फेंका है कितने से, 5 से फेंका हुआ है, तो इसका पाथ कुछ ऐसे करके आएगा, आएगा ये x मान लो, ये y वाला मान लो, x तो हो जाना है 5t, x हो जाएगा 5t, y हो जाएगा आपका, y हो जाएगा 5ut प्लस 1/2 5/mt². अब समय को एलिमिनेट करके देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ विनीत समझ में आया, yes. अब ये सॉल्व करके देखो, अब बनेगा पैराबोला, यहाँ के हिसाब से पैराबोला निकालना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से इक्वेशन को हैंडल करना डिफिकल्ट है, लेकिन हमेशा आपको प्रॉब्लम जब दी है तो उसके डेटा को देखो, वो डेटा ऐसा एडजस्ट करेगा कि आपको देखो कितना पता चल गया, बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक्सलेशन कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सलेशन भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए, एम तो वैसे ही फिक्स है, तो एफ अपॉन एम की वैल्यू भी कांस्टेंट ही निकल के आ जाएगी, तो एक्सलेशन हमेशा यहाँ को है, पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया शुरू में, तो ये पैराबोला ही तो आएगा, क्लियर है, और डेटा का तो क्या करते हैं, अब फिर फंस जाते, फिर जरूरी नहीं है पैराबोला आता, जरूरी नहीं है पैराबोला आता, ठीक है, उसमें दिक्कत आ जाती,
सो एलिप्टिकल कब आता है? एलिप्टिकल और सर्कुलर? यार एलिप्टिकल और सर्कुलर ये कहानी कुछ ऐसी होती है, जैसे कि आपका ये हो गया, एक एग्जांपल दे देता हूँ, x इक्वल टू ए, तो वो नहीं दिख रहा, कर रहा हूँ ऐसे हो गया, x इक्वल टू ए कॉस टू टी, y इज इक्वल टू, अच्छा एलिप्स की इक्वेशन पता है क्या आपको? नहीं सर। सर्कल की भी नहीं पता होगी ना? नहीं सर। अब उनकी इक्वेशन ही नहीं पता, देखो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वो होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है। अरे टेंशन मत लो, आपका 2010 में एसएचएम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा सर पहुंचेंगे जो भी है आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक आपका यहाँ इलिप्स हो चुका होगा, सर्कल हो चुका होगा, तो वहां पर डिस्कस करवा दो, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी ना आगे जाके जब आपका थोड़ा ये हो जाए ना मैथमेटिक्स में थोड़ा आगे हो जाए, तो फिर मेरे को सर्कल समझाना पड़ेगा, इलिप्स क्या होता है, उसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, तो अभी के लिए बस पैराबोला की जानकारी रखो, ठीक है, या फिर अगले लेक्चर में करवा लूंगा, अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत बता ये सब मैं बता दूंगा आपको, सर्कल याद दिला देना। विनीत फिलहाल ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है देखो इतना याद रख लो, चलो जब भी लिप्स और वो होंगे ना सर्कल, तो x का भी स्क्वायर चलेगा y का भी स्क्वायर चलेगा, दोनों का स्क्वायर का रिलेशन आता है, ठीक है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत आधी अधूरी मैथ के हिसाब से, तो अगली क्लास में जब पूरा प्रॉपर पूछवा लेना सर्कल का क्या होता है हिसाब किताब तो कर लेंगे। चलो ढंग से क्वेश्चन करके आना, एक्सरसाइज वन में जितने आज करा दिया, रेन प्रॉब्लम, स्विमिंग प्रॉब्लम हो गई आपकी, वन डायमेंशन में जितना कोलिजन, वन डायमेंशन में जो भी हो रहा है, अब मेरा फिलोसफी ऑफ अप्रोच अप्रोच और कोलिजन का कौन सा बचा हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के सारे कर लेना, वन से करना, टू से करना, मतलब डाउट लेके आना अगले लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच सेपरेशन वाला कहानी मैं एक घंटे में करा दूंगा, तीन चार क्वेश्चन कराने होते हैं उसमें, उससे हो जाएगा, फिर उसके बाद डिस्कस ही करना होता है, तो ये मान के चलो सवा घंटा जा सकता, तो 45 मिनट में आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप डीपी के भी ला सकते हो, कहीं से भी लाओ, पहले तो एक काम करो वन और टू एक्सरसाइज, वन और टू जितना इसका रिलेटिव का करा दिया, प्रोजेक्टाइल में हमारा क्या बचा था, एक्सरसाइज थ्री बची है क्या प्रीवियस ईयर, या हो गया? हो गया था, ठीक है, और वो ले लेना, तो फिर इसको करो वन और टू, इसमें से वन और टू कर लेना। नहीं सर एक्सरसाइज थ्री नहीं हुआ था। हाँ सर उसमें डाउट है। हाँ सर है। तो एक काम करना वो भी कर लेना। हाँ तो एक दो होंगे ना वो तो कर लेंगे, एक दो वैसे ही कर लेंगे, लास्ट में कभी भी उठा लेंगे, तो वन टू थ्री लेके चलते हैं, एचएलपी वाला कभी कभी ऐसे मस्ती में कर लिया करेंगे। सर अगली क्लास कल है ना? अगली क्लास कल नहीं है शायद यार, थर्सडे को है। हाँ सर थर्सडे थर्सडे को है, ठीक है।